दूसरी घट रही है तो तीसरी नहीं घटेगी, तीसरी घट रही है तो चौथी नहीं घट रही है एट द सेम टाइम। इसका मतलब इनडायरेक्ट वर्ड्स में हम यही कह सकते हैं कि जब एट ए टाइम केवल एक ही घटना घटे उसको हम यूजली एक्सप्लिसिट इवेंट्स कहते हैं। अगर हम टॉस के सिंपल एग्जाम्पल में जब टॉस करते हैं तो बताइए क्या प्रॉबिलिटी ऑफ हेड जो आएगी वो 1/2 है और प्रॉबिलिटी ऑफ टेल जो होगा वो भी 1/2 है। क्वेश्चन ये है क्या हेड आ रहा है तो उसी टाइम टेल आ सकता है क्या? नो प्रॉब्लम। अगर टेल आ रहा है तो क्या उसी टाइम हेड आ सकता है क्या? नो प्रॉब्लम। जब टॉस करते हैं और टॉस में क्या हेड आएगा या टेल आएगा अब केवल उसी की प्रॉबिलिटी निकालेंगे। अगर ये निकालते हैं तो ये नहीं और अगर ये निकालते हैं तो ये नहीं। इसका मतलब है कि टाइम जब केवल एक ही घटना घट सकती है तो हम उसको यूजली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का नाम देते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल लें जिसमें दो बैग पड़े हैं नंबर 1 और नंबर 2, 1 में 1, 2, 3, 4 नंबर है और इसमें 5, 6, 7, 8 नंबर है। आप दोनों में से एक बैग अगर ड्रॉ करेंगे, सपोज आपने फर्स्ट बैग ड्रॉ किया तो आपके पास 1, 2, 3, 4 नंबर है। आपका सेकंड बैग का 5, 6, 7, 8 कोई भी नंबर है नहीं आ रहा। अगर आप सेकंड बैग चूज करते हैं तो आपके पास नंबर आएंगे 5, 6, 7, 8। सिर्फ सेकंड बैग का ही नंबर आएगा बाहर, फर्स्ट बैग का नंबर कोई नहीं आएगा। 1, 2, 3, 4 नहीं आएगा। इसका मतलब एट ए टाइम दोनों बैग में से या तो पहला बैग आएगा या दूसरा बैग आएगा। इसका मतलब कि एट ए टाइम केवल दोनों में से एक ही घटना घट रही है, दोनों नहीं घट रहे। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नंबर 5 है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है? म्यूचुअली में तो हमारे पास एट ए टाइम केवल एक घटना घटती है, लेकिन जब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एट ए टाइम हमने ऑप्शन तो एक ही लेनी है लेकिन उसके साथ साथ कोई दूसरी घटना का हिस्सा भी बाहर आ रहा होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आपने देखा एक है तो दूसरा बैग के मतलब एक निकाला तो दूसरे का कोई पोर्शन बाहर नहीं आया, लेकिन नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दूसरे का पोर्शन भी बाहर आएगा। या जब आप सेकंड बैग निकालेंगे तो पहले का भी कुछ पोर्शन बाहर आएगा। तो फिर इस एग्जांपल को हम कैसे डिस्कस करते हैं? हमारे दोनों बैग जो इंटर रिलेटेड हैं, बैग ए में 1, 2, 3, 4 चार नंबर है और बैग बी में 4, 5, 6, 7 ये चार नंबर। अब आप देखिए इस पिक्चर को आप देखेंगे इनमें से बैग ए बाहर निकाल, जब आप बैग ए बाहर निकालेंगे तो आपके पास 1, 2, 3, 4 चार नंबर बाहर आए जिसमें से नंबर 4 एक ऐसा नंबर है जो बैग बी से रिलेटेड है। इसका मतलब आप बी का कुछ पोर्शन भी बाहर निकाल रहे हैं। और जब आप बी बैग बाहर निकालेंगे तो उसमें 4, 5, 6, 7 चार नंबर बाहर जिसमें नंबर 4 एक ऐसा नंबर है जो ए से रिलेटेड है। इसका मतलब ए का कुछ हिस्सा भी साइमल्टेनियसली बाहर आ रहा है। तो जब ए की घटना घट रही है उसमें ए की रिजल्ट के साथ साथ जब किसी दूसरी घटना का भी कुछ पोर्शन बाहर आ जाए तो हम उसको नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। इसी तरीके से इवेंट नंबर 6 सिंपली सिंपल इवेंट की जब बात करते हैं तो ये बहुत इजी है। आप किसी भी घटना में केवल जब एक ही ऑप्शन की बात करेंगे, एक ऑप्शन निकालनी है, एक पॉसिबिलिटी की बात करनी है, एक आउटकम की बात करनी है तो वो सिंपल इवेंट। जैसे अगर एक बैग में 10 ब्लैक, 6 ब्लैक और 4
ग्रीन बॉल्स हैं, टोटल 20 बॉल्स। इसमें अगर एक रेड बॉल निकाले तो वो सिंपल ही, अगर एक ब्लैक बॉल निकाले तो वो सिंपल ही, एक ग्रीन बॉल निकाले तो वो सिंपल ही। यदि आप केवल एक अंक की बात करते हैं तो वो सिंपल ही। इसी तरीके से एक और यूनिट है जिसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग यूनिट क्या है? जब आप एट ए टाइम एक नहीं एक से ज्यादा विड्रॉल की बात करें। पिछले एग्जाम्पल में हमने कहा कि अगर टोटल 20 बॉल्स हैं, 20 बॉल्स हैं, तो उसमें से एक बॉल आपने निकाली। कंपाउंडिंग यूनिट में क्या है कि एक बॉल नहीं एट ए टाइम आप तीन बॉलें निकाले, चार बॉलें निकाले, दस बॉलें निकाले, वो कंपाउंडिंग। कलर उनका डिफरेंट डिफरेंट है तो थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, इसलिए कंपाउंड इवेंट में मोर देन वन आउटकम्स आर पॉसिबल एट द सेम टाइम्स। इट इज इन तो उसमें हम कॉम्बिनेशंस का फार्मूला यूज करते हैं जिसमें एनसीआर की आगे चलकर बात करें। नेक्स्ट है लास्ट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब है व्हेन द इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव यानी एक ही घटना में मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो तो बात है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में कोई भी दो घटनाएं, तीन घटनाएं इंटररिलेटेड होती है। जैसे इंटररिलेटेड का मतलब है कि अगर हमने सेकंड घटना की बात करनी है तो पहली घटना हो चुकी होनी चाहिए। अगर पहली घटना नहीं होगी तो आप दूसरी घटना की बात नहीं कर सकते। पहली घटना वहां घटित हुई है तभी आप दूसरी घटना की बात करें। जैसे अगर हम प्लेइंग कार्ड्स की बात करें, उसमें अगर हम ये कहें हमने चार पत्ते निकाले पूरे सेट में से, बाद पत्तों में से चार पत्ते निकाले और सेकंड कार्ड स्पेड का, इसका मतलब पहला कार्ड जो आपने निकाला वो किसी ना किसी कलर का होगा, किसी ना किसी सूट का होगा। जब आप सेकंड कार्ड निकालते हैं, सेकंड कार्ड या थर्ड कार्ड की बात करते हैं, तो उससे पहले आप कार्ड निकाल चुके हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में जरूर कोई ना कोई इवेंट पहले घट चुकी है और फिर उसकी घटना तीसरी घटना या चौथी घटना की हम बात करते हैं। ये हमारी इवेंट्स। अब प्रोबेबिलिटी में कोई भी अगर हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इन इवेंट्स का पता होना सभी को जरूरी है। अब हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर में यूज होने वाली वेरियस थ्योरम्स की बात करते हैं। सबसे पहले एडिशनल थ्योरम। एडिशनल थ्योरम, एडिशनल थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बेस थ्योरम। बेसिकली यहां पर तीन थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनके प्रूफ भी स्पेशली पूछे जा सकते हैं। कि क्वेश्चन तो हो ही सकते हैं लेकिन इनके प्रूफ भी आ सकते हैं, प्रूफ करने के लिए कहा जा सकता। तो हम सबसे पहले एडिशनल थ्योरम की बात करते हैं। अगर आप स्टेपिंग के हिसाब से करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। स्टेप वन, कुछ स्टेप्स में हम इस थ्योरम को डिवाइड करते हैं। स्टेप वन थ्योरम, यानी इसका मीनिंग क्या है? तो मीनिंग में हमें ये क्लियर होना चाहिए कि एडिशनल थ्योरम में हम क्या कहना चाहते हैं। सिंपल, एडिशनल थ्योरम इज ए टोटल ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द आउटकम्स। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, किसी भी घटना में जितने भी आउटकम हो सकते हैं
उन सब की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालिए, उसको टोटल कर लीजिए, वही हमारी एडिशनल थ्योरम है। तो एक बार फिर से सुनिए, एडिशनल थ्योरम क्या? एडिशनल थ्योरम इज ए टोटल ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द आउटकम्स। ये हमने थ्योरम के मीनिंग में अपनी बात कर ली। स्टेप टू, ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम स्टेप वाइज अगर देखेंगे तो हमें मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। दूसरा है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि वेयर दिस थ्योरम इज अप्लाइड, कहां पर अप्लाई करें। तो बहुत सिंपल, व्हेन द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन एडिशनल थ्योरम इज अप्लाइड। अभी हमने इवेंट्स की बात की, उसने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स डिस्कस किया। जिस क्वेश्चन में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगी तो हम वहां पर एडिशनल थ्योरम अप्लाई करेंगे। किसी भी और इवेंट होने के केस में एडिशनल थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती है? आइदर और, या ये घटना या ये, दोनों एट ए टाइम नहीं। इसका मतलब दोनों में से कोई एक की जब हम बात करेंगे तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और वहां पर एडिशनल थ्योरम लागू होगी। स्टेप थ्री, सिंबॉलिक। सिंबॉलिक ज्यादातर जब भी हम एडिशनल थ्योरम की बात करते हैं तो सिंबॉलिकली उसको कैसे डिफाइन किया जाता है स्टूडेंट्स यही जानते हैं, लेकिन आप उससे पहले उसका मीनिंग बताएंगे, थ्योरम बताएंगे एक्चुअली क्या है और वो एप्लीकेबल कहां पर होता है, आप ये बताएंगे। अब सिंबॉलिकली की हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं पी ए और बी इज इक्वल टू पी ए प्लस बी। कैसे सिंबॉलिकली? बड़ा सिंपल, यहां पर हमने दो घटनाएं ली, कौन कौन सी? पी ए और बी, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। या तो घटना ए घटेगी या घटना बी घटेगी, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इसका आंसर क्या होगा? इन दोनों पॉसिबिलिटी के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को निकालिए। ए को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पी ए होगा, बी को निकालेंगे तो पी बी होगा, और उन सभी इंडिविजुअल प्रॉबिलिटीज को एड कर लीजिए अगर दो से ज्यादा घटनाएं हैं, ऑप्शंस हैं, तो फिर हम उसको फोर्थ स्टेप में शामिल करते हैं जिसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब है कि अगर पी ए और बी और सी और डैश लगाकर 10 इवेंट भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि 2 तक हम दें, तो ये इवेंट्स के अंदर जितनी भी ऑप्शंस हैं वो 2 से ज्यादा अगर होते हैं तो हमारी एडिशनल थ्योरम क्या होगी? पी ए प्लस बी प्लस बी सी प्लस एंड सो। इसका मतलब जितने भी ऑप्शंस हैं सभी की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालिए और सबको ऐड कर दो तो वो हमारी एक्सटेंशन हो जाएगी। एडिशन एक्सटेंड करने 4, 5, 6 केस में आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रूव करने का जो पॉइंट है वो स्टेप 5 है जिसको हम प्रूफ कहते हैं। इसमें हम प्रूव करके बताएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर कैसे। इसमें बहुत सिंपल एक स्टेटमेंट यहां पर लिखनी है जो एडिशनल थ्योरम से रिलेटेड है। वो स्टेटमेंट हमारी क्या होगी इसको ध्यान से आपने समझना है, क्योंकि इसमें कुछ लेटर्स जो होंगे वो कैपिटल लेटर्स होंगे और कुछ स्मॉल लेटर्स होंगे, उसमें सभी को डिफरेंस जो है वो ध्यान से देखना होगा। हम इसमें लिखते हैं इफ इवेंट ए कैन हैपन इन ए वन वेज स्मॉल इवेंट ए कैन हैपन इन ए वन वेज एंड Event B can happen in A2 ways. If and total chances
of happening event A or B are n A1 plus A2 out of n1 plus n2. इसका मतलब है कि अगर हम टोटल चांसेस की बात करें हैपनिंग की तो ए वन और ए टू हुआ क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन किया है कि इवेंट ए ए वन केसेस में हो सकती है और इवेंट बी ए टू केसेस में हो सकती है तो दोनों को ऐड कर दिया ये फेवरेबल केसेस टोटल हुए और टोटल घटनाओं के जो चांसेस हैं जो ए वन है वो एन वन में से हो रहा है और ए टू जो है वो एन टू में से हो रहा है लेकिन जब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करते हैं तो उसमें n1 और n2 n के बराबर होता है इसका मतलब एक ही घटना में उसमें आउट अगर हम एक ऑप्शन की बात करें a b की बात करें b लेकिन उनके टोटल चांसेस जो है घटने के वो n1 n2 ना लेते हुए उन सभी का ग्रैंड टोटल कर लिया तो हम उसको तो by definition की जब हम बात करते हैं probability की definition है a by n यानी favorable cases upon total cases तो उसमें probability of a और b जब हम लेंगे तो favorable cases upon total cases लेंगे और favorable cases मैंने बताया क्या है a1 plus a2 और total cases मैंने बताया n क्योंकि अगर एक ही घटना है ओवरऑल और उसमें टोटल चांसेस अगर इतने हैं इन सभी को ऐड करके अगर हमने n एक ही घटना के टोटल चांसेस को लिया तो a1 upon a1 plus a2 upon n ये बाय डेफिनेशन लिख दिया अब इसको बाइफर्केट कर दीजिए a1 upon n plus a2 upon n हम ऐसा अलग अलग करके लिख सकते हैं और आगे चलिए e1 upon n किसके बराबर हुआ ये favorable cases हैं ये total cases हैं और e1 हमें already पता है कि वो event e को define करता है जिसका मतलब ये e a के बराबर होगा plus e2 किसको define करता है हमने already लिखा कि ये event d को define करता है तो ये probability of d हुआ left hand side आपकी वही है a और b is equal to और हमने एडिशनल थ्योरम में यही डिस्कस करना था कि पी ए और ई इज इक्वल टू पी ए प्लस ई बी होता है तो ये हेंस ये रिजल्ट हमने बेसिकली यही प्रूव करना था ये हमारी एडिशनल थ्योरम इससे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत इजी इसके क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं एडिशनल थ्योरम में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आप एग्जांपल के रूप में कंसीडर कर सकते हैं अगर एक बैग में 6 ग्रीन प्लस 4 येलो बॉल्स हैं 10 बॉल्स इसमें से एक बॉल निकालिए तो दो ही ऑप्शन हैं इसमें अगर हम और ज्यादा ऑप्शन ऐड करते हैं 5 रेड बॉल तो हमारी टोटल 15 बॉल्स हो गई जब हम तीन में से दो ऑप्शंस की बात करेंगे कि आप एक बॉल निकालिए और वो रेड होगी या ग्रीन होगी हम अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे तो एक बार फिर से सुनिए इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है देयर आर 6 ग्रीन 4 येलो एंड 5 रेड बॉल्स वन बॉल इज ड्रॉन and find the probability that it is either a green ball or a red ball. हमने ये आंसर निकाला। तो कैसे करें? हम सबसे पहले जो दो ऑप्शन जिनके आंसर हमने निकाल लिए हैं हम उनकी बात करेंगे probability of green ball निकालने के सबसे पहले जितनी green balls कितने 6 total 15 इसका मतलब green ball की आने की जो प्रोबेबिलिटी है
वो 6/15 है. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉन्ड फेवरेबल केसेस 5, रेड के 5 केस हैं और टोटल 15 केसेस हैं, तो रेड बॉन्ड आने की प्रोबेबिलिटी 6 पहले थी 6/15, अब रेड की प्रोबेबिलिटी 5/15. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एक लाइन क्वेश्चन में हर स्टूडेंट ने मेंशन करनी है, थ्योरम अप्लाई करने से पहले उसका लॉजिक प्रूव करें. क्या है लॉजिक? बिकॉज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, सो एडिशनल थ्योरम इज अप्लाइड. ये लाइन इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है. आप इसमें लॉजिक पुट कर रहे हो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इसलिए एडिशनल थ्योरम अप्लाई होगी. और वो क्या है थ्योरम? ई ए और बी इज इक्वल टू बी ए प्लस बी डी. अब इसमें आप वैल्यू पुट करके आप किस किस की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, आइदर ग्रीन और रेड बॉल. तो उनकी जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी आपने निकाली उनको ऐड कर दीजिए, 6/15 प्लस 5/15 इज इक्वल टू 11/15. दिस इज योर फाइनल आंसर. ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे और आपने एडिशनल थ्योरम अप्लाई किया. लेकिन कई बार क्वेश्चन में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ना होकर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाते हैं, किसी एक घटना के साथ किसी दूसरी घटना का रिजल्ट भी आ जाता है तो वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाती है, तो क्या वहां पर भी एडिशनल थ्योरम अप्लाई होगी? उस केस में मॉडिफाइड एडिशनल थ्योरम लागू होगी. अब ये मॉडिफाइड एडिशनल थ्योरम क्या है? जब आप एडिशनल थ्योरम की बात करते हैं इंडिविजुअल प्रॉपर्टी निकालिए और उनको ऐड कर दीजिए. जब मॉडिफाइड एडिशनल थ्योरम की बात करेंगे तो हम बी ए और बी ही लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे. फिर इसमें और पहले केस में फर्क क्या होगा? बड़ा इजी, वहां पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थी लेकिन इस केस में इवेंट्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हमारा फिर क्या रिजल्ट होगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी. इसका मतलब है कि जितनी ऑप्शंस हैं उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी निकालिए और उनको ऐड कर दीजिए, लेकिन उनमें से जो कॉमन केसेस हैं वो कैलकुलेट करिए और लेस करिए. इसका मतलब हमारा फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी. अब इसका अगर कोई क्वेश्चन ले तो कैसे सॉल्व करें? बड़ा सिंपल, अगर हम एग्जांपल लेते हैं इस केस की, इस थ्योरम की, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं आउट ऑफ ए सेट ऑफ प्ले कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन. इसका मतलब है कि ताश के कार्ड पत्तों में से आपने एक पत्ता विड्रॉ किया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस कार्ड is heart suit card or a queen? क्या वो पान का पत्ता है या queen है? card एक ही card है लेकिन वो heart suit card या queen हो, ये हमें probability निकालना है. अब इस question में probability of heart suit card, पान के कितने पत्ते हैं? अगर 52 पत्ते हैं टोटल तो पान के पत्ते हैं 13 और टोटल है 52. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट शूट कार्ड इज 13/52. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, पूरी ताश में
इस तरीके से हमारा कॉमन कार्ड जो है वो बन गया 50 उसी का। अब हमने वही एक कंडीशन लिखनी है, एक स्टेटमेंट लिखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन के लिए। वो स्टेटमेंट क्या है? बिकॉज इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सो probability will be calculated as follows. इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, events are not mutually exclusive, so modified additional theorem is applied. तो हम modified additional theorem के लिए या probability will be calculated और वो क्या है? P A और B is equal to P A plus P B minus P A B। सभी की रियल प्रॉब्लम का भी उपाय कर दिया, लेकिन जो कॉमन केसेस हैं उनकी प्रॉब्लम निकाल कर हमें माइनस करना है। तो प्रॉब्लम ऑफ हार्ट सूट और क्वीन is equal to हार्ट सूट की प्रोबेबिलिटी 13/52 प्लस क्वीन की प्रोबेबिलिटी 4/52 और जो कॉमन कार्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/52 माइनस कर दिया तो 13/17 में से 1 गया 16/52 जिसको 4/13 करने के लिए। तो ये हमारा जो आंसर है वो हार्ट सूट क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालने का आ गया 4/13। तो इस तरीके से हमें एडिशनल थ्योरम और मॉडिफाइड एडिशनल थ्योरम में अंतर पता होना चाहिए और इन सभी के जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ एडिशनल थ्योरम, मॉडिफाइड एडिशनल थ्योरम, सभी इवेंट्स और मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी आज हमने कवर किया जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के थर्ड यूनिट से रिलेटेड है, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और ये सब्जेक्ट कॉमन है चाहे वो टेक्स्ट प्रोसीजर के स्टूडेंट्स हों या कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स हों या पास कोर्स के स्टूडेंट्स हों या फिर एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हों, उन सब के लिए कॉमन है। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में हम अदर थ्योरम्स इसके Thank you.